नमस्कार। जब परिवार एकजुट हो, मुट्ठी बंधी हुई हो, तो कोई भी शत्रु मुकाबले पर नहीं ठहर सकता। काका रघुनाथ राव, पेशवा माधव राव, मल्हार राव होलकर, अच्युत राव पटवर्धन, इन जैसे शूरवीरों के सामने निजाम भी नहीं ठहर पाया और पराजित हुआ। लेकिन इस यशस्वी अभियान के बावजूद राघोबा और पेशवा के बीच मतभेद और भी अधिक बढ़ गए। पेशवा की इच्छा के विरुद्ध राघोबा ने निजाम से संधि कर ली तो पेशवा द्वारा सातार कर छत्रपति की मदद करने और मिरज का शासन अपने ससुर से लेकर अच्युत राव पटवर्धन को सौंपने से राघोबा चिढ़ गए और अभियान को बीच में ही छोड़कर पुणे लौट गए। माधवराव अकेले ही अपने मामा मल्हार राव रास्ते, गोपाल राव घोरपड़े आदि के साथ मैसूर की ओर बढ़ गए। वे कर वसूल कर विजय दुंदुभी बजाते हुए पुणे लौटे, लेकिन पेशवा को शारीरिक व्याधियों ने घेर लिया था और ऊपर से ग्रह कलह भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उनके बहुत समझाने के बावजूद काका पुणे छोड़कर बड़गांव को चले गए। उनके विश्वस्त सहयोगी बाबा पुरंदरे और सखाराम बापू भी आगे पीछे उनके पास पहुंच गए। राघोबा को मनाने की सब कोशिशें विफल रहीं। नाना फडणीस, मल्हार राव होलकर ही नहीं तो स्वयं पेशवा माधव राव, उनकी मातुश्री गोपिका बाई भी काका से मिली और वापस चलने का आग्रह किया, किंतु वे टस से मस नहीं हुए। हद तो तब हुई जब उन्होंने निजाम के साथ मिलकर पुणे पर ही आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। स्पष्ट ही मराठा एकता एक बार फिर टूट रही थी। विवश पेशवा ने भी सेनाएं सजाना शुरू कर दिया। दादा रघुनाथ राव ने अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए धर्म क्षेत्र पैठण को लूटा है, इस समाचार ने पेशवा के आवेश को और बढ़ा दिया। और फिर वह समय भी आया कि जिस दिल्ली दरवाजे से मराठा सेनाएं दिल्ली का तख्त तोड़ने निकली थीं, वहां से ही सेनाएं स्वजनों से संघर्ष हेतु निकली। घोड़ नदी के किनारे दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। पहले दिन के युद्ध में दोनों पक्षों की हानि हुई। बढ़त भले ही पेशवा की रही हो, लेकिन यह स्पष्ट था कि सेना को आपस में लड़ना रुचिकर नहीं लग रहा था। होलकर ने सलाह दी कि एक बार मुझे फिर कोशिश करने दो, शायद संधि का कोई मार्ग निकल आए। कुछ सरदार सहमत हुए तो कुछ असहमत, लेकिन फिर मल्हार राव होलकर का दोनों छावनियों में आना जाना शुरू हो गया। राघोबा ने कहा कि माधव राव अपनी सेनाएं पीछे हटा लें, तब ही समझौते की चर्चा संभव है। गोपाल राव पटवर्धन ने चेताया कि श्रीमंत यह चाल है, वे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस स्थान से हटाकर आपको कमजोर करना चाहते हैं। किंतु स्वजनों के रक्तपात से उबे माधव राव ने यह सुझाव अनसुना कर दिया और सेना ने पीछे हटकर आले गांव के पास डेरा डाल दिया। सेना समझौते की आस में असावधान थी। भीमा नदी पर घोड़ों को नहलाया जा रहा था, सैनिक भी स्नान ध्यान में लगे हुए थे। ठंड पड़ना शुरू हो गई थी तो श्रीमंत भी डेरे के बाहर धूप में खड़े थे। तभी अकस्मात गोपाल राव घोड़ा दौड़ाते हुए आए और बताया कि दादा ने चढ़ाई कर दी है। उन्होंने आग्रह किया कि पेशवा सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं और हम लोग राघोबा दादा का प्रतिकार करेंगे। माधव राव खिन्न होकर मुस्कुराए और बोले, आपको मौत के मुंह में छोड़कर मैं भाग जाऊं? इतना मूल्यवान नहीं रह गया यह जीवन। जाइए, युद्ध की तैयारी कीजिए। छावनी से माधव राव का घोड़ा दौड़ते हुए देखकर निराश सैनिकों में भी जोश का संचार हुआ और वे भी अपने पेशवा के पीछे हर हर महादेव का जय घोष करते दौड़ पड़े। किंतु असावधान सेना को एकत्रित होने का भी अवसर नहीं मिला और राघोबा के घुड़सवारों ने आकर मारकाट मचा दी। शाम को जब युद्ध रुका, तब तक पेशवा के पक्ष का काफ़ी नुकसान हो चुका था। निराश पेशवा ने अपने सरदारों को दूसरे दिन अपने आत्मसमर्पण का निर्णय सुना दिया।
वफादार योद्धा अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। कईयों ने उनके साथ चलने का आग्रह किया, किंतु माधव राव अडिग रहे और बोले, मैं अकेला ही जाऊंगा। जो छावनी छोड़कर जाना चाहें वे जाने को स्वतंत्र हैं। अपने डेरे पर राघोबा ने सुबह देखा कि अपने वफादार सेवक श्रीपति के साथ सर झुकाए घोड़े पर बैठे माधवराव टीले से नीचे उतर रहे हैं। 200 घुड़सवार मंथर गति से उनके पीछे हैं। राघोबा अंदर डेरे में चले गए। निर्भय सर उठाए माधवराव छावनी में पहुंचे तो सैनिक स्वतः उनको मुजरा करने लगे। सबको जवाब देते वे अपने काका के डेरे के सामने रुके, जूते उतार कर अंदर प्रवेश किया और श्रीपति जूतों के पास किसी पुतले की तरह खड़ा हो गया। पैर छूते माधवराव से राघोबा ने व्यंग में पूछा, कहो पेशवा क्या आदेश है? जवाब में माधवराव बोले, शरणागत होकर आया हूँ, आज्ञा तो आप देंगे और मैं पालन करूँगा। राघोबा के तीखे तेवर अभी बरकरार थे, बोले, हमें भरोसा नहीं हो रहा, सही नहीं लगती आपकी बात। माधवराव तो मानो विनम्रता की हर सीमा लांग जाना चाहते थे। उन्होंने पेशवा की अपनी पगड़ी राघोबा के सामने जमीन पर रख दी और उनके जूते उठाकर अपने सीने से लगाकर बोले, काका यह पेशवाओं का सिरपेंच है, इसलिए आपके सामने गलीचे पर रखा है, अन्यथा चरणों में रखकर आपको भरोसा दिलाता। राघोबा की ममता का बांध फूट पड़ा, चिल्लाए, माधव क्या करता है, जूते नीचे रख। लेकिन माधव तो इस समय कुछ सुनना नहीं सुनाना चाहते थे। बोले, मेरे पिता मेरा हाथ आपके हाथ में सौंप कर गए थे, अतः काका आप मेरे लिए पिता तुल्य ही हैं। एक बार नहीं कई बार मैंने आग्रह किया कि आप पेशवा का पद संभाल लें और मुझे मुक्त करें, किंतु आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था। यह सिरपैंच सामने है, जैसे चाहें उसकी व्यवस्था करें, जो चाहे वह दंड मुझे दें, किंतु ग्रह कलह के कारण जन्मजात शत्रु निजाम को घर में न लाएं। बस यही एक प्रार्थना करने आपके जूते उठाए आपके सामने खड़ा हूं। राघोबा आवेश में आगे बढ़े और माधवराव को अपने आगोश में ले लिया। उनकी आंखों से निकले आंसू माधवराव के सर का मानो अभिषेक कर रहे थे। वे बोले, माधव एक शब्द भी मत कहो आगे, अभी अपनी छावनी में वापस जाओ। हम संध्या तक अपनी छावनी यहां से हटाकर तुम्हारी छावनी में आएंगे, तभी आगे बात होगी। पेशवा वापस जाने को मुड़े तो राघोबा ने रोका और अपने हाथ से पगड़ी उनके सर पर रख दी। माधवराव के जाते ही चतुर सुजान सलाहकारों की मंडली दादा के आसपास जुट गई। भावुकता की जगह कूटनीति हावी होने लगी। आम सहमति थी कि दादा को पेशवा पद नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कोई उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, ना होलकर ना पुणेवासी। अच्छा होगा कि पेशवा माधवराव को ही रहने दिया जाए और सत्ता सूत्र अपने हाथ में लिए जाएं और पहले पेशवा के विश्वास पात्र सरदारों को कमजोर किया जाए। इस सलाह पर अमल शुरू हो गया। निजाम को उसके सहयोग के बदले दौलताबाद का दुर्ग दे दिया गया। सिंहगढ़ सखाराम बापू को देने भर से उनका मन नहीं भरा तो छत्रपति राजा राम द्वितीय को हटाकर उनके स्थान पर जानोजी भोसले को छत्रपति बनाने का अभियान भी शुरू कर दिया। व्यथित माधवराव को एक बार फिर ज्वर आने लगा। मानसिक संताप ने शरीर को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था। 6 महीने आलेगांव में ही रुकने के बाद दादा ने अपना पहला निशाना बनाया माधवराव के विश्वस्त गोपाल राव पटवर्धन को और मिरज पर चढ़ाई कर दी। 2 महीने मुकाबला करने के बाद पराजित गोपाल राव ने जाकर निजाम की शरण ले ली। यह कष्ट माधव राव के लिए मर्मांतक था। काका ने गोपाल राव जैसे स्वामी भक्त और प्रतापी योद्धा को शत्रु पक्ष में जाने को विवश कर दिया था। यह राज्य के लिए कितना हानिकर है, इसका अंदाज उन्हें था।
परिणाम भी शीघ्र सामने आ गया। जिस निजाम को मित्र बनाकर काका राघोबा ने पेशवा माधवराव को नीचा दिखाया था और जिन जानोजी भोंसले को राघोबा छत्रपति बनाने के मंसूबे बांध रहे थे, उन दोनों में समझौता हो गया और वे संयुक्त रूप से पुणे पर चढ़ाई को तत्पर हो गए। होलकर को भेजे गए खलीते का जवाब भी नकारात्मक आ गया। उन्होंने आने में असमर्थता जता दी। सचमुच राघोबा ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और माधवराव के प्रति ईर्ष्या में अंधे होकर राज्य को गंभीर संकट में धकेल दिया था। उनके सलाहकारों के भी हाथ पांव फूल गए और वे निजाम से समझौते की सलाह देने लगे, जिसके लिए स्वाभिमानी राघोबा कतई तैयार नहीं हुए। उन्होंने विवश होकर माधवराव से ही सलाह मांगते हुए भी व्यंग में कहा, तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही होगी मुझे विवश और कमजोर देखकर। पेशवा माधवराव का जवाब आज के स्वार्थांध राजनेताओं के लिए भी मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा, अगर घर में खटमल हो जाए तो घर को आग नहीं लगाई जाती काका। इस समय राज्य पर संकट है, आपसी झगड़े का समय नहीं है। होलकर काका को संदेश भेजो कि अब बागडोर हमारे हाथ में है, देखें वे कैसे नहीं आते। यह समय शिवाजी महाराज की छापामार शैली अपनाने का है, सीधे युद्ध का नहीं। निजाम पुणे की तरफ आ रहा है तो हमें उसका मुकाबला करने के स्थान पर उसके औरंगाबाद पर चढ़ाई करना चाहिए। इसके आगे की कहानी अगले अंक में। नमस्कार।